सलमान खान क्यों दिख रहे हैं पगड़ी पहने हुए और दबंग 3 के बाद सलमान कौन कौन सी फिल्मों में आएंगे नजर, ऐसी ही ढेर सारी और बातों के बारे में जानेंगे आज। तो दोस्तों हेलो नमस्कार एंड सलाम, स्वागत है आप सभी का बॉलीराज स्टूडियोज चैनल पर और मैं हूं अनुष्का त्यागी। बॉलीराज स्टूडियोज जहां आपको देखने को मिलती है बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्मों के साथ वेब सीरीज के बारे में अपडेट्स, फैक्ट्स और मनोरंजन ट्रिविया। तो दोस्तों सलमान खान ने आखिरी बार दबंग 3 में काम किया था, इसके बाद सलमान किसी फिल्म में देखने को नहीं मिले क्योंकि बाद में कोरोना महामारी की वजह से साल भर किसी भी फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज नहीं हुई थी। तो जितनी भी फिल्म देखने को मिली वो सिर्फ नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज की गई थी। अब पिछले साल की सलमान की राधे फिल्म ईद के मौके पर आने वाली थी पर कोरोना की वजह से उनका थिएटर रिलीज संभव नहीं हुआ। अब जानकर सलमान की फिल्म राधे इस साल थिएटर में रिलीज होगी। आगे भी सलमान की अंतिम टाइगर 3 और किक 2 जैसी फिल्में आने वाली हैं। तो दोस्तों अब स्पेशल वीडियो की बात करते हैं जो है आज हमारे सबके सलमान भाई की फिल्म अंतिम के बारे में। फिल्म का नाम है अंतिम। दोस्तों बता दूं कि फिल्म की टैगलाइन है द फाइनल ट्रुथ। फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है। बहुत ही बढ़िया सा गंभीर एक्शन सीन इस जारी किए गए फर्स्ट लुक वीडियो में नजर आ रहा है। आपको बता दूं कि 35 सेकंड के वीडियो की शुरुआत होती है महाराष्ट्रीयन ढोल ताशों की धुन से। सामने से आते हैं आयुष शर्मा अपनी मस्कुलर बॉडी के साथ, वो किसी पर पंच करने जाते हैं। फिर सामने वीडियो में नजर आते हैं हमारे अपने सलमान भाई। तो मैं दोस्तों बता दूं आपको कि वो अपने पंजे से आयुष का पंच रोक लेते हैं। बैकग्राउंड में चल रहा होता है वॉइस ओवर जिसमें हमें कुछ लाइन सुनाई देती हैं, कुछ इस तरह, ये जिस्म का जरिया है अंतिम, ये आग का दरिया है अंतिम, इस आग में ढलना है अंतिम और मिट्टी में मिलना है अंतिम। ये लाइन्स खत्म होते ही फिल्म का टाइटल आ जाता है और प्रोड्यूसर में सलमान खान का नाम आता है। दोस्तों बता दूं कि डायरेक्टर में महेश मांजरेकर का नाम आता है और फिल्म की रिलीज डेट की जगह सिर्फ ईयर 2021 दिखाया गया है। दोस्तों बता दूं कि फिल्म के टाइटल में किसान के हाल का साइन दिखाया गया है। फिल्म के प्लॉट के बारे में ये कहा जा रहा है कि फिल्म एक जमीन माफिया के अत्याचार के ऊपर है, तो शायद जमींदार और किसानों की जमीन से जुड़ने के किस्सा इस फिल्म में देखने को मिलेगा। दोस्तों बता दूं कि सलमान खान इस फिल्म में सिख पुलिस का किरदार निभा रहे हैं। सलमान ने फर्स्ट लुक में अपनी बॉडी का जलवा दिखाते हुए ये जता दिया कि फिल्म में दर्शकों को फुल ऑन फाइटिंग देखने को मिल सकती है। दोस्तों बता दूं कि बिल्कुल दबंग के एंड फाइटिंग सीन्स की तरह। आपको पता ही होगा कि आयुष शर्मा सलमान के जीजा हैं और ये आयुष की दूसरी फिल्म है जिसे सलमान खान प्रोड्यूस कर रहे हैं। आने वाले समय में सलमान आयुष की गन्स ऑफ नॉर्थ भी प्रोड्यूस करने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि आयुष ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत लव यात्री फिल्म से की थी और ये उनकी दूसरी ही फिल्म है। जैसा कि आपको बताया कि इस फिल्म में सलमान खान और आयुष शर्मा दोनों हैं और ये मुख्य रूप से 2 हीरो फिल्म है, तो इस फिल्म को लेकर शूटिंग लगभग हो चुकी है। शूटिंग के वक्त एक बात निकल कर आई थी कि आयुष की फिजिकल ट्रेनिंग के वक्त उनके हाथ में चोट लग गई थी पर फिर भी उन्होंने अपनी शूटिंग जारी रखी। दोस्तों बता दूं कि सलमान भी शूटिंग के लिए बांद्रा में नजर आते थे। फिल्म सेट से सलमान का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वो पूरी तरह से फॉर्मल कपड़ों में दिखाई दे रहे थे। दोस्तों बता दूं कि फिल्म में पुलिस वाले का किरदार होने की वजह से सलमान फिल्म में फॉर्मल कपड़ों में ही दिखेंगे। जिस तरह वो दबंग फिल्म सीरीज में फॉर्मल कपड़ों में नजर आते थे ठीक उसी तरह अब फर्क सिर्फ इतना होगा कि वो फिल्म में पगड़ी में नजर आने वाले हैं। दोस्तों बता दूं कि फिल्म में सलमान एक जमींदार से लड़ते नजर आएंगे, मतलब सलमान एक ईमानदार, सच्चे और लोगों के लिए लड़ते दिखेंगे। आयुष जहां एक जमींदार का किरदार निभा रहे हैं तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि फिल्म का एनवायरमेंट रूरल ही होगा। अब स्टोरी के ऊपर हम ज्यादा से ज्यादा यही सोच सकते हैं कि सलमान उस जमींदार से लोगों को बचाएंगे। दोस्तों बता दूं कि फिल्म में इसके अलावा सलमान का किसी के साथ लव कनेक्शन भी दिखाया जाएगा। दोस्तों बता दूं कि फिल्म में निकीतन धीर भी मौजूद हैं जो कि फिल्म में सलमान के भाई हो सकते हैं या फिर आयुष के कोई भाई या रिश्तेदार हो सकते हैं। दोस्तों अभी तो हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, उनके किरदार के बारे में कोई पुष्टि नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि फिल्म में और कौन कौन हो सकता है? साथ में आपको फिल्म की स्टोरी के बारे में कुछ खास बातें पता होंगी तो हमें नीचे कॉमेंट्स में बताना मत भूलेगा। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं महेश मांजरेकर और उनके साथ ही मौजूद हैं उनके बेटे सत्य मांजरेकर और उनकी
की बेटी है श्वामी मांजरेकर। एक पिता अपने बच्चों को उनके फ्यूचर के लिए ट्रेन करने में लगे हुए हैं, जैसे बॉलीवुड में माता पिता अपने बच्चों को एक्टिंग की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह मांजरेकर अपने बच्चों को डायरेक्शन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब फिल्म की और अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को और पाते रहिए फिल्मी दुनिया की सारी फ्यूचर अपडेट्स। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं प्रशांत,